ऐसा भी नहीं होना चाहिए रीता, किसी के साथ ऐसा नहीं करना, घर आके उनको रुलाते हैं यार। पाइप टूट जानी पार तो थोड़ा और ही करना। लाइव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश की। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। और आज तो मुझे हर जगह पहले बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। तो अभी मैं आई हूँ हॉस्पिटल, यहाँ से मुझे आंटी की रिपोर्ट्स लेनी है। और मौसम बहुत ख़राब है यार, मौसम इतना ख़राब है, धुंध पड़ी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ सामने गुरुद्वारा है यही दिख रहा है। तो कुछ एक रिपोर्ट्स आ जानी थी, उनको लेने आई हूँ। और यहाँ से लेना है, ये है रिपन हॉस्पिटल, ये रिपोर्ट्स आ गई हैं, अब डॉक्टर को दिखानी है। और मौसम अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो वो रिपोर्ट्स ले लिया, डॉक्टर को भी चेक करवा लिया, अब चले पेट पूजा करने। यहाँ चला है कंस्ट्रक्शन का काम भी साथ में हॉस्पिटल के। तो लंच में आया है छोले भटूरे, ये खाएंगे। अभी मैं जा रही हूँ वापस, ये नीचे दिख रहा है पूरा ओल्ड बस स्टैंड यहाँ पे। और मैं जा रही हूँ ओल्ड बस स्टैंड की तरफ, मैं बस में बैठ गई हूँ। यूनिवर्सिटी बसेस जा रही है बैक टू बैक, यही दूसरी लड़की दिख रही है आज। तूने नहीं आना, इसको नहीं आना है ब्लॉग में, पर ये मेरी फ्रेंड मिल गई है मेरे को। और अभी हम यूनिवर्सिटी में, यहाँ पता नहीं अभी इतना क्राउड क्यों है, आई थिंक सारे के सबके पेपर। चल ना वापस, चल पड़े परे परे से ऊपर जाएंगे। सच में बंदर तो नहीं आएंगे? नहीं सच में जाएंगे। हाँ अभी अभी इसने पता क्या कर दिया है, ये हम लोग अभी मिल रहे थे और इसका कुछ सामान था, वो ये वहाँ भूल के आ गई है। अब हमें सामान किसी और का था जो इसने कलेक्ट करना था, ये भूल के आ गई है, अब उस सामान को लेने जा रहे हैं। इससे जल्दी जल्दी मिलने की खुशी में, इतनी खुशी जिसको मेरे से मिलने की। ठीक है जी, यूनिवर्सिटी में घूमते घूमते नई चीज़ दिख रही है मुझे, ये है लाइव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश की। कितनी पॉपुलेशन है, नीचे वाली हिमाचल प्रदेश की है, ऑब्वियसली ऊपर वाली इंडिया की है। तो ये हमारा यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट था, मतलब मेरा डिपार्टमेंट था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन, डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेस। अब मैं यहाँ की एक स्टूडेंट हूँ, मेरी कुछ फ्रेंड्स अभी भी यहाँ पे हैं। ये देखो जी हमें कौन नमूने मिले, इसे तो आप जानते ही होंगे, इनसे भी मिली है, ये है ज्योति। मैं अपने फ्रेंड से मिली अभी, ये हम फैन मोमेंट सेलिब्रेट कर रही थी। जी नहीं गाइस, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ज्योति है, पुराने व्लॉग्स में देखी होगी आपने। अर्चु को नहीं देखी तो फिर से जाके देखो। हाँ अर्चु को तो आपने देखा ही होगा क्योंकि ये तो हमारे साथ काजा ट्रिप पे भी थी। इनके अपने पर्सनल मैटर डिस्कस हो रहे हैं। ये ज्योति है, समीक्षा कहाँ है, लग भी नहीं रहे तेरे बाल उतने के उतने ही लग रहे, इसके बाल इतने लंबे थे, इतने लंबे इसने बाल काट दिए। कॉन्स्टेंट थिंग ना, यस। अरे इन्हें देखो, अरे इन्हें देखो, देख लो गाइस, बाय बाय बाय, कल मिलेंगे ना हम, चले चल भाई, बाय बाय। ये भी हमारे यूनिवर्सिटी के मित्र हैं, अभी हम जल्दी में बाय बाय बाय। एक फ्रेंड मेरी सामने से आ रही है, ये अपनी टेर में चली हुई है, बाय बाय बाय। तो हम थोड़े जल्दी में थे तो सभी फ्रेंड्स से थोड़ा थोड़ा हेलो हाय की अभी, तो क्योंकि मैं इसके यहीं जा रही हूँ ना। तो देखो शिमला के बंदरों के मजे, इसने कहीं से भुट्टा लिया और यहाँ पास नहीं हो रहा, इतने तंग रोड होते हैं। इनको निकालनी पड़ेगी यहाँ तो गैप ही नहीं रहा। तो यूनिवर्सिटी एरिया से बाहर निकल गया, थोड़ा क्राउड से बाहर आ गए हैं, और पर लोग तो हैं यहाँ पे भी चल रहे हैं। और ये है, मतलब जब मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ ना तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि क्या इसमें कोई रीज़न नहीं होता है, आप दोस्तों के साथ हमेशा खुश होते हो। तो वैसे ही ये भी है, वी आर फ्रेंड्स विद सेम मेंटल डिसऑर्डर प्लस वी आर सिस्टर्स, मोर लाइक सिस्टर्स। और फ्रेंड्स यार दूसरी फैमिली होती है हमारी, घर से बाहर अगर कोई फैमिली होती है वो फ्रेंड्स ही होते हैं, तो ये है वो फैमिली। तो
तो हम पहुंच गए रीता मैडम के रूम पे, वो बना रही है चाय। जी हाँ, मैंने चाय पीना शुरू कर दिया है। मैंने इसको बोला था पिछली बार जब मैं अगली बार, मैंने तेरे को बोला था ना अगली बार जब मैं आऊंगी हम चाय पियेंगे। तो ये चाय बना रही है और ये मुझे बहुत ढेर सारे बिस्किट लेके आई है। ढेर सारे नहीं है, खाली 3 बिस्किट है अपने पास। ओरियो इसको, इसको ओरियो पसंद है और 5 स्टार इसको चॉकलेट पसंद है। तो नहीं वो मुझे नहीं। तो ये आई हमारी चाय और ये है हमारे बिस्किट। ये पता नहीं कोई और ही बिस्किट फाड़ रही है। वो भी खाएंगे। हाँ सारे बिस्किट खाएंगे। चलो आंसू निकल गए। इसने इसने मुझे प्याज दी काटने को, आंसू निकल गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए रीता, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। घर आके उनको रुलाते हैं यार ये लोग, कैसे लोग हो यार। वो भी मैं कैसे लोग हो यार। मैं रो नहीं रही थी पर इसने प्याज, जैसी तीखी सी प्याज है ना, इसको आंसू आ रहे थे। मैंने बोला मैं काटती हूँ और मेरे खुद के ही निकल गए आंसू। लोगों को लगेगा मैं सच में रो रही थी। गाइस मैं रो नहीं रही हूँ, ठीक है। प्याज मेरे को रुलाते हैं। तो अभी हालत कुछ ऐसी है, थोड़ी पतली हालत है, टांगे दर्द कर रही है। और अब हम डिनर करेंगे और सो जाएंगे। तो आप सबको भी बाय बाय, कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है नेक्स्ट डे और हम खाएंगे पराठे। आज हम दोनों अपने हाथ से बना रही हूँ पराठे। आज हम दोनों शनिदेव बने हैं। ये देखो ब्लैक, क्योंकि शनि ब्लैक बहुत भारी है। मेरा तो चल ही रहा था भारी, पर अब ठीक हो जाएगा। तो अभी मुझे जाना है कहीं, जाना है कहीं। मैं बताऊंगी वो रास्ते में कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। थोड़े 2-4 काम और है, फिर वो हो जाए। आवाज भी ब्लॉग में ले। किसकी आवाज? तब तेरी आवाज भी। ये हमारी एक फ्रेंड है, ये बोलोगी कुछ। हाय नेहा, कैसे हो? ठीक हूँ, आप बताओ? बढ़िया हूँ मैं भी। बस आगे अब कैसे लेते हैं। जल्दी ठीक है, तेरा वाला नहीं काटेंगे क्या? तो हमारे पराठे आ गए हैं। तो ये आया हमारा ब्रेकफास्ट। इस बार रीता ने स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, अचार है, पराठों का भी स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। बहुत अच्छे पराठे बनाए हैं, थैंक यू। मैं तो चल पड़ी वापस, रीता नहीं आ रही अभी, मेरे को ब्लॉग भी बनाना पड़ता है ना। चल भाई बाय बाय बाय। मेरा कुछ सामान भूला होगा तो मैं तेरे को करूँगी फोन। तो आज शिमला का मौसम कुछ ऐसा है, बादल बादल आए हैं, सुबह काफ़ी बारिश हो रही है। और अभी मुझे जाना है ISBT, क्योंकि आज आर्यन को घर जाना है और दीदी ने मुझे कॉल करके बोला था कि उसको बस में बैठा दूँ। अभी उसको ज़्यादा शिमला का पता नहीं है, तो आर्यन को मिलने जाएंगे और उसको घर जाना है, तो उसको बाय बाय करके आएंगे, सी ऑफ करके आएंगे। तो अभी ISBT आ गई हूँ, आर्यन भी आ गया है। आर्यन को मिलते हैं, फिर उसको टाटा बाय बाय बोलते हैं, फिर हम वापस चलते हैं। ये है आर्यन राज, यहाँ पे बड़ा हो गया अपना लड़का, ये चल पड़ा है घर। सीट भी मिल गई, बाय बाय। आर्यन ने सीट चेंज कर दी, अब ये यहाँ बैठ गया विंडो सीट पे। ये गई आर्यन की बस, ये तो रुक गई यार। तो अभी ना हम मैं वापस आ गई हूँ आर्यन को छोड़ने के बाद। वापस रीता भी आ गई समरिल में, हम रेलवे स्टेशन पे, और हम देख रहे हैं लंगूरों को, जो यहाँ दिख रहे हैं ना लंगूर। ये लंगूर छोटा लंगूर, इसका अरे लंगूर फीमेल है मतलब, ये समझ जाओ। तो ये छोटा वाला इसका बेबी है, ये इसकी मासी है। तो ये मासी जो है ये रीता बनी थी। अब ये सारे ऊपर कहाँ बोर्ड पे जाके बैठ गए हैं। बाकी लंगूर की फैमिली वहाँ पे है बहुत सारे लोग। और ये है मैडम, ये मुझसे बोझ उठवा रही है, ये मेरा बैग उठा रही है। शाबाश, रीता का जुड़वा आ गया यहाँ पे, बड़ा क्यूट जैसा ना देखता। हाँ, ये अब ये व्यू है यार, पिछले हफ्ते भर का तो है। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं यहाँ से, अब काफी देर यहाँ पे बातें करने के बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद हम चलते हैं रेलवे स्टेशन से वापस। फिलहाल अभी पार्सल लेना है किसने, तो वो लेने चलते हैं। अभी तक तो हम यहीं पे थे रेलवे स्टेशन समर हिल, और यहाँ पे हुई थी जब वी मेट मूवी की शूटिंग, इस वाली टनल के पास शायद, ऐसा कुछ बताया था किसी ने। अब कितनी सच्चाई है वो तो तू बताएगी, वो मूवी देख सकते हो आप, उस मूवी को देख लेना। ये टनल आएगी, टनल 101। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड से मिलने, और चूसे एलईडी है उसके पास आया हुआ, इसका पार्सल आया है बिल्कुल LED, वो लेने जा रहे हैं पार्सल में LED।
तो ये है टीवी जो इसने मंगाया है अमेजोन से, टीवी आया है। मुझे खुद नहीं पता कि क्या है। खोल रहे हैं, अनबॉक्सिंग हो रही है। हाय गाइस, नहीं डालेंगे यार, तू खोल तो सही इस टीवी को। मुझे खुद नहीं पता भाई, अनबॉक्सिंग भी देखो चाबी से हो रही है। ये तो टीवी की जगह ये सब्सक्राइबर ना भेजते रहते हैं। एक तो हमारी फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा। तो अभी हम लोग जाएंगे अब क्या बोलते हैं, एनिमल हाउस। एनिमल हाउस अभी लैब आए थे अर्चू से मिलने और ज्योति से मिलने, तो अब जाएंगे फिश देखने इनका एनिमल हाउस में। उन्होंने फिशेज रखी होती है, उनको फीड करते हैं, फिर उनको मारते हैं, फिर उन पर काम करते हैं। तो ये लड़की ले जाएगी हमें एनिमल हाउस। लड़की इधर तो देख ले। एनिमल्स के गाइस, हम सारे एनिमल्स है ना, मतलब जूलॉजिस्ट को। आज हम अपने घर जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं अपने घर एनिमल हाउस के लिए। हमें थोड़ा ट्रैक करके आना पड़ा। तो हम पहुंच गए मछलियों के पास, देखो यहाँ पे। हेलो हेलो, इनके खाने का टाइम हो गया, इनको भी हम खाना देंगे। हेलो हेलो, और कहाँ है? इसमें तो है नहीं, इसमें है। हेलो हेलो, मछलियाँ ही मछलियाँ आज हमें मछलियों के बीच। ये इनका फूड, फिश फूड इसमें भी है। अब देखना इनको खाना डाल रहे हैं ना, आएगी सारी ऊपर आ रही सारी। अब किसको देंगे हम खाना, इनको? ये भी आएगी यहाँ के लिए खाने के पास। ये वाला पानी थोड़ा क्लीन है, उसमें फिल्टर नहीं था ना। हमारे पास बहुत सारी मछलियाँ हैं और ज्योति इनको दे दिया खाना। सिप्रन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो कॉमन कार, ये लाई वहां से ना, घाघर से। यार ये वाली लग रही मेरे को बहुत मस्त, जैसी ये वाली काफी एक्टिव है सारी, बहुत सारी हाँ एक्टिव जैसी बन गई है सारी। मछलियाँ दिख गई, पहले वालों का काम हो। आगे हम सारी मछलियों को खाना देते। लाइट भी थोड़ी कम हो रही है तो इनको सिकाडा की आवाज तो आएगी अभी इतनी जोर से। आज हम सोना लेने आए हैं, ये देखो सोना, 250 ग्राम सोना, 250 ग्राम इतना, देखो एक कम करना पड़ा। टमाटर जी इज्जत से बोलना। हाँ टमाटर जी, रिस्पेक्ट पूरी देनी पड़ेगी। तो टमाटर लेने के बाद मैं रूम आ गई, इसके बाद मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। और आजकल ना शिमला का मौसम मुझे लगा था ठीक जैसा हो गया होगा, कि मतलब धूप वगैरह लगती होगी, पर मौसम अभी भी वैसा ही है। बरसात का मौसम यहाँ बहुत गंदा सा होता है, पर डेली बारिश होती है, धुंधी होती है चारों तरफ, ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अभी भी आज सोचा था मैंने सुबह उठ के कि व्लॉग बनाऊंगी और जाऊंगी बाहर कहीं, लेकिन आज भी मौसम वैसा ही है और ऑरेंज अलर्ट बताया है आज के लिए। तो पिछले कल का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल बनाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। तो अभी भी देखो मौसम कैसा है, बिल्कुल कोहरा पड़ा है चारों तरफ, और बाहर जाने का सोच रही थी पर मौसम ख़राब है तो शायद ही नहीं जा पाऊँगी। तो एडजस्ट कर लो गाइस, पर देखते अगर मौसम साफ होगा तो बाहर जाऊँगी। बाय।